नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। आज मेरे सामने खड़ी है हीरो इलेक्ट्रिक की ऑप्टिमा। ऑप्टिमा की ये HX है। HX के साथ साथ ये एक और ख़ास चीज़ रखती है कि ये दो बैटरीज के साथ आती है, ये दो चार्जर्स के साथ आती है, ये दो चार्जर इनपुट के साथ आती है। मतलब आप दोनों ही बैटरी एक साथ चार्ज भी कर सकते हैं। अब इसकी जो पावर है वो भी ज़्यादा आती है क्योंकि ये HX है। तो HX का यहाँ पर मायने ये हो जाता है कि हमारी ये स्कूटर जो है वो हाई स्पीड भी है, तो इसमें एक पावरफुल मोटर भी आ जाता है जो कि 550 वाट का है। तो जब आप इसको चलाइएगा तो आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा। ऑप्टिमा एक अपने आप में एक बड़ी, मतलब साइज में एक बड़ी स्कूटर दिखने वाली स्कूटर भी है। तो आपको एक बड़ा स्कूटर भी मिलता है। अब इसके साथ एक और फ़ायदा इसमें आ जाता है कि इसमें आपको 12 इंच के चक्के भी मिलते हैं। नॉर्मली 10 इंच के चक्के देखे गए हैं कि आपको मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर जो है 10 इंच के देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि इस स्कूटर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आप एक डिज़ाइन देखिए, एक लुक देखिए, ये देखने में कैसी लग रही है आपको। तो देखने के हिसाब से ये आपको कुछ इतनी बड़ी लगती है। अगर इसके सामने कोई जाता है तो कुछ इतनी बड़ी स्कूटर ऑप्टिमा लगती है, अगर 5.5 फुट का आदमी इसको चलाता है। तब आप देख रहे हैं, और इस पे अगर बैठते हैं तो हमें कितना लेग स्पेस मिल पाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इतना लेग स्पेस मिल पाता है अगर कोई बैठते हैं तो 5 फुट की लेडीज़ भी इसको आराम से चला सकती हैं। ऐसा कोई दिक्कत इस स्कूटर के साथ आपको नहीं होगा अगर कोई भी चलाता है तो। चलिए इसके बाद हम दिखाते हैं इसकी। तो इसमें आपको हैंडल में फिटेड हेडलैम्प मिलता है। हेडलैम्प आपको जो है LED यहाँ पर मिलेगा, और ये एक रजिस्ट्रेशन वाली है। तो क्योंकि ये एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसको आप परचेज़ करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होता है। तो वो चीज़ आपको इसमें चाहिए अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो, क्योंकि दूरी आपकी कम समय में तय हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही होगा। यहाँ पे हम देखें तो 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ड्रम ब्रेक मिलेगा, ट्यूबलेस टायर आपको 12 इंच का यहाँ पर मिल जाता है, बाकी सॉकर और ये सभी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा स्पेस मिल जाएगा कुछ सामान वामान अगर आप रखना चाहते हैं तो, एक टांगने के लिए हुक। इधर हम एक मोबाइल चार्ज का USB पोर्ट देख सकते हैं, तो USB के थ्रू आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। लाइट के स्विच है, लाइट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी हॉर्न, इंडिकेटर्स और लाइट हाई बीम लो बीम यहाँ दिखाई दे देता है। यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐसे ये सिंपल सी हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट एक ये हो गया और एक इधर हो गया। तो दोनों एक साथ आप चार्जर लगा दीजिए, इसमें कनेक्ट कर दीजिए, आपकी दोनों बैटरी ही एक साथ चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो बैटरी दिखाने से पहले मैं आपको बाहर का फेस दिखाता हूँ। इस तरह कुछ फेस रहेगा जिसमें साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड दोनों ही आपको मिलता है। 550 वाट का यहाँ पर आपको हब मोटर भी मिल जाता है। देखिए किस तरह से ये देखने में लग रहा है। 12 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे भी लगा हुआ मिल जाएगा। पीछे में देखें तो ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। नंबर प्लेट यहाँ पे भी आपका लगेगा जब इसके रजिस्ट्रेशन होकर नंबर प्लेट आ जाएगी तो। बाकी इसमें जो अभी एसेसरीज़ लगी हुई है वो एसेसरी का पार्ट है, और यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है कि पैर रखने को एक लंबा चौड़ा आपको सीट मिल जाता है, तो दो लोग कम्फर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं। अब हम चाबी को निकाल के बैटरी दिखाते हैं आपको। तो दोनों बैटरी यहाँ पे रखी हुई है। इस तरह जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे दो चार्जर्स देखने को मिल जाते हैं। एक हमारा चार्जर यहाँ इस तरह से पैकिंग में रखा हुआ है, सेकंड चार्जर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ टूल किट्स रखे हुए हैं। एक बैटरी हमें यहाँ पे मिलती है जो कि 51 वोल्ट 30 एम्पीयर लिखा हुआ है। इस बैटरी को आप घर ले जा कर भी चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड बैटरी हमारी यहाँ पर रखी हुई है B2, इसको भी हम घर ले जा कर चार्ज कर सकते हैं। मतलब दोनों बैटरीज इसमें भी चार्ज कर सकते हैं, घर ले जाके भी चार्ज कर सकते हैं। अगर ये दोनों चार्जर आपकी घर में जब चली जाती है तो आपको कुछ इतना स्पेस मिलता है, मतलब आप हेलमेट तो नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, बाकी इस तरह से स्पेस आपको मिलता है। अब बात करें तो ये बैटरी कितना माइलेज दे पाती है, तो माइलेज आपको 100 किलोमीटर से ज़्यादा का माइलेज दे देगी, क्योंकि दोनों बैटरी है। सिंगल बैटरी में जब हम कोई स्कूटर को देखते हैं जैसे एट्रिया है, इसमें वही सेम सिंगल बैटरी लगी हुई है, तो 60 किलोमीटर के आसपास का माइलेज दे देती है। तो ये भी आपको 110, 115 यही माइलेज आपको दे पाएगी। और इसके बाद हम इसका स्पीड देख लेते हैं, चार्जिंग टाइम क्या रहेगा।
तो दोनों चार्जर आपको एक ही बार लगाना होगा, दोनों बैटरी आपको एक बार में ही चार्ज हो जाएगी। तो 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे अगर एकदम फुल दम डेड रहेगी बैटरी तब आपका टाइम लगेगा। चलिए इसका स्पीड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 550 वाट का मोटर आपको कितना स्पीड दे पाता है। तो यहाँ पे स्पीड हम बढ़ाते हैं, तो लगभग 55 का स्पीड में ये चलती है इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो 55 के आसपास का आपको स्पीड मिलेगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। और इस तरह से ये लॉक भी हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 55 मैंने करके छोड़ दिया तो ये 55 पे ठीक है। तो इस तरह से ये 55 पे चलते रहती है, तो आप 55 के स्पीड में कहीं भी जा सकते हैं। तो एक हाई स्पीड का जो मतलब होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली 40 से 45 हम लोग रोड पे स्कूटर्स चलाते हैं तो 55 तक का स्पीड मिल जाता है, तो आपको स्पीड की कमी यहाँ पे महसूस नहीं होगी अगर आप इस स्कूटर को लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ इसकी सारी चीज़ें। इसमें आपको मिलती है 2 बैटरी, दोनों ही बैटरी 50 वोल्ट 30 एम्पियर की हैं। माइलेज आपको 100 से प्लस यहाँ पे मिलेगी। 3 से 4 घंटे में बैटरी आपको चार्ज हो जाएगी दोनों चार्जर के थ्रू। आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 55 का स्पीड मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस ETC चाहिए होगा। इसके बेनिफिट्स हैं कि आपको 550 वाट का एक पावरफुल मोटर मिल जाता है और 12 इंच का आपको इसमें ट्यूबलेस टायर अलॉविन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस स्कूटर में आपको 3 साल की वारंटी भी मिल जाती है, जैसे कि इसके मोटर पे, बैटरी पे, चार्जर पे, कंट्रोलर पे, इन सभी चीज़ों पे कुछ ना कुछ वारंटी आपको मिलती है। तो जब भी आप ख़रीदने जाते हैं उस समय आप ज़रूर इस पे पता कर लें कि आपको क्या क्या वारंटीज़ मिल रही है, किस तरह से वो लागू होती है। तो आप लगभग 3 साल के लिए निश्चिंत हो सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं तो, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे जो है बेनिफिट हो जाती है अगर हमें कोई स्कूटर पर वारंटी मिल जाती है एक लंबे समय के लिए तब। अब इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 77,500 रुपये में डुअल बैटरी वाली मिलती है, क्योंकि इसमें कुछ आपको सब्सिडीज भी मिल रही है जिसके कारण अभी ये लो कॉस्ट में आ रही है। तो इतने में आपको ये स्कूटर मिल जाएगी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो। बाकी इसी तरह का इसको डिज़ाइन आपको इसमें कुछ मिल पाएगा। बाय बाय।